हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम ओम बहादुर, आप देख रहे हैं ओम इलेक्ट्रिकल वर्क। आपका दोस्तों ओम इलेक्ट्रिकल वर्क में हार्दिक स्वागत है। यह आज हमारा दोस्तों टॉपिक एंगल ग्राइंडर के बारे में है कि एंगल ग्राइंडर में हम लोग इसको ये जब चलती नहीं है तो कार्बन चेंज करने भी चल पड़ती है, ऐसा क्यों? एंगल ग्राइंडर में कार्बन क्यों पड़ता है, कार्बन ब्रश क्यों यूज़ होता है, इस टॉपिक पे है दोस्तों। हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कार्बन क्यों पड़ता है। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें, नवे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक शेयर करें। ये दोस्तों हमारा एंगल ग्राइंडर का बेस है जिसके अंदर स्टेटर और रोटर लगा हुआ है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये हमारा दोस्तों कार्बन ब्रश है जो इसमें हम यूज करते हैं। इस टाइप का कार्बन ब्रश लगता है इस एंगल ग्राइंडर में। ये ब्लैक टाइगर का एंगल ग्राइंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी एंगल ग्राइंडर हो दोस्तों, सब में कार्बन पड़ता है। एंगल ग्राइंडर में पड़ता है, ड्रिल मशीन में पड़ती है, डीसी मोटर में पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना ये बेस के अंदर जो पार्ट है, ये स्टेटर है, ये रोटर है। और रोटर के दोस्तों रोटर के सापट पे देखिए, ये दोस्तों बेस है, स्टेटर जो इसको बोलते हैं जो यहाँ पे है, और ये दोस्तों रोटर है। ये रोटर में दोस्तों यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कार्बन लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है ये बताएंगे आपको, इसका यहाँ पे क्या काम है। तो ये देखिए, जो नॉर्मल मोटर होता है जैसे कूलर में होता है, टेबल फैन में होता है, उसका रोटर इस किस्म का होता है। और जो हमारा इसका देख लीजिए रोटर कैसा है। और ये हमारा जो मोटर है इसकी जो वाइंडिंग है स्टेटर में किया हुआ है और उसके रोटर में किया हुआ आप देख सकते हो। इसका जो वाइंडिंग है फिक्स है, तो इसको दोस्तों कार्बन की लोड नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट तार लगा के चला सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए, इसमें हमने रोटर में जोड़ना है तो रोटर में जोड़ने के लिए हमको तार से ब्रेक जोड़ेंगे तो दोस्तों तारों से में लपेटा जाएगा, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कार्बन से रोटर तक हम करंट पहुँचाते हैं और रोटर तब घूमता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों ये देखिए, ये फिक्स कॉयल्स हैं इसमें और बीच में रोटर घूम रहा है। आप देख सकते हैं कैसे घूम रहा है। और इसका दिखाते हैं आपको, देखिए इसका कैसे घूम रहा है। इसका रोटर में वाइंडिंग है वो घूम रहा है, बाहर से जो ब्रशेस लगी हुई हैं, ये कम्युनिकेटर देख सकते हैं आप लिखा हुआ, और ये कार्बन है दोनों तरफ लगी हुई हैं। इससे करंट मतलब कि रोटर में ट्रांसफ़र होता है और रन होता है। और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये हमारा थ्री फेस मोटर है। इसका भी जो हमारा मतलब कि स्टेटर है, स्टेटर में मतलब कि कॉइल बनी हुई है और ये अपना रोटर हो गया, रोटर एकदम खाली है। स्टेटर में जो कॉइल लगी हैं फिक्स हैं और यहाँ से थ्री फेज का कनेक्शन होता है। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि एंगल ग्राइंडर में कार्बन कैसे डाला जाता है। मैंने ये वीडियो बनाई है प्रैक्टिकली करके, इसमें हमने डाल के स्टार्ट करके सब कुछ करके दिखाया है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा देख के जाएं दोस्तों। यदि दोस्तों ये हमारा ग्राइंडर हो गया, इसे खोल लेते हैं बैक साइड से। अरे हमने खोल लिया, फटाफट करते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे कार्बन लगता है। ये कार्बन वाला हिस्सा पेचकस से खोला जाएगा कि इसकी कार्बन निकाल के
नवी कार्बन इंस्टॉल करी जाएगी। देखिए हमारा स्प्रिंग है जो कार्बन को अंदर की तरफ मतलब कि रोटर तक मतलब पहुंचाता है। जब ये घिसता जाए तो ये स्प्रिंग धीरे 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 करके आगे भेजता रहता है। बाहर निकाल लेते हैं और कार्बन उसका नंबर डाल देते हैं। देखिए कार्बन अंदर पड़ा हुआ है जो घिस के छोटा हो गया है। और देखिए वहाँ दूसरी तरफ का भी खोल लेते हैं, दोनों आपको इकट्ठे डाल के दिखाएंगे। ये हमारा नवा कार्बन है, कार्बन ब्रोच। थोड़ा टाइट जा रहा है, ये लगता है सही नहीं है। थोड़ा इसको फाइल से पतला करेंगे। दूसरी साइड भी खोल लेते हैं, दोनों को इकट्ठे लगाया जाएगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों नवे हैं तो। और ये हमने दोस्तों निकाल लिया, अब आप देख सकते हो एकदम घिस के छोटा हो गया है कार्बन। अब आपको कार्बन निकाल के इसमें डाल के दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बिना कार्बन के दोस्तों चलता नहीं है, और एक कार्बन किसी क्या है इसी वजह से ग्रेंडर चल नहीं रहा था। तो हम इसमें नवा कार्बन डाल के आपको चला के दिखाएंगे। या देख सकते हैं फ्रंट साइड पे जो पड़ा है पुराना वाला है, और इधर साइड पे पड़ा है नवा जो मेरे हाथ में है, नवा पीछे हो। और ये हमने फाइल मार के पतला कर लिया है और इसको दो स्क्रू से टाइट कर देंगे। दोस्तों बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज़ आ रहा हो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत है, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आएगी। और ये दोस्तों हो गया, अब इसके कनेक्शन करने होंगे हमको। जो कार्बन में से निकल के थिम्बल निकला हुआ है उसको कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी कार्बन सारे करंट फ्लो करेगा। अब नीचे देख सकते हैं वहाँ पर लगा हुआ है, हाँ वो थिम्बल के ऊपर एक फीमेल थिम्बल लगाएंगे। लग गया, ये हो गया दोस्तों। अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे जो पीछे से फेस वायर आ रहा है, और ये सेकेंडरी साइड। दोस्तों दोनों साइड से दोस्तों कार्बन लगाना होता है। और ये देखिए ये हमारा लूज है, हमने इसको फाइल मार के थोड़ा पतला कर लिया था। पहले इसकी तार जोड़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा फीमेल थिम्बल लगेगा मेल वाले में, नीचे की साइड देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ये दोस्तों ब्लैक टाइगर का अपना ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर है। जिसमें इस टाइप का मतलब कि कार्बन बढ़ता है, बहुत से ग्राइंडर में कुछ और टाइप का पड़ता है दोस्तों, और ड्रिल मशीन में भी कुछ अलग टाइप के होते हैं।
डीसी मोटर में अलग टाइप के होते हैं, और जो जनरेटर के मोटर होते हैं बड़े वाले, अल्टरनेटर जो होते हैं उसमें भी 200 कार्बन पड़ते हैं। और ये दोस्तों कंप्लीट हो गया है, बस एक वायर लगाना है बस सिंबल। हाँ, इसको अब ये कम्प्लीटली ओके है, इसको चला सकते हैं। बट हम इसको पहले असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद चलाएंगे। और एक स्क्रू लगाया दोस्तों, और ये तैयार। अब दोस्तों ये चलने के लिए तैयार है, आपको चला के दिखाते हैं। और ये मैंने प्लग इन कर दिया और स्विच ऑन। देखिए दोस्तों चल पड़ा, चले दोस्तों, चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उसके रोटर के जो कंटैक्ट पॉइंट थे वहाँ पर दोस्तों एक कार्बन पहुँच ही नहीं रहा था। आप देख सकते हैं नीचे टेबल भी पड़ा हुआ है, कार्बन छोटे छोटे हो गए हैं। आपको दिखाता हूँ वहाँ पर, देखिए बिल्कुल दोस्तों छोटे छोटे हो गए हैं, इसलिए दोस्तों काम नहीं कर रहे थे।